हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बद्धा स्टडी सेंटर ढड़ा के यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मैं स्टूडेंट कुमार इस यूट्यूब चैनल के लिए एस डी का करेंट अफेयर लेकर आया हूँ उसमें भी दिसंबर का तो देखिए दोस्तों आज मैं पूरे दिसंबर मंथ का करेंट अफेयर कर लूँगा और दो का तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन कर लेते हैं और यदि इसका पी डाउनलोड करना चाहते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं चलिए दोस्तों क्वेश्चन कर लेते हैं देखिए सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन कहता है एक दिसंबर दो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया कौन सा दिवस मनाया इस इसका आंसर होगा विश्व एड्स दिवस विश्व एड्स दिवस इस वर्ष का विषय क्या था इसका आंसर था इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा अपनी स्थिति जाने अपनी स्थिति जाने चलिए अगला क्वेश्चन है एक दिसंबर 2018 को किस भारतीय निशानेबाज को निशानेबाजी के सर्वोच्च सम्मान द ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया ब्लू क्रॉस किसे मिला इसका आंसर क्या है अभिनव बिंद्रा अभिनव बिंद्रा अगला क्वेश्चन है दिसंबर दो हजार जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ वर्ष दो हजार बाईस के जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का मेजबानी किसे प्राप्त हुई इसका आंसर क्या है इसका आंसर होगा इस था? भारत 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 अगला क्वेश्चन है एक दिसंबर दो हजार अठारह को एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहा संपन्न हुआ इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू नेपाल काठमांडू नेपाल अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए कहता है एक दिसंबर दो हजार अठारह को बार बा, एशिया पेसिफिक स्क्रीन अवार्ड दो हजार अट्ठारह से किसे सम्मानित किया गया इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा नंदिता दास नंदिता दास और क्या है नवाजुद्दीन सिद्दकी नवाजुद्दीन सिद्दकी अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कहता है दो दिसंबर दो हजार अठारह को पहला टी ट्वेंटी लीग का खिताब किसने जीता किसने जीता इसका आंसर क्या होगा इसका नॉर्दर्न वॉरियर्स नॉर्दर्न वॉरियर्स ने पख्तूस एलेवन को हरा कर पखतूस इलेवन को हराकर अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दो दिसंबर दो हजार अठारह को भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए पंजीकरण हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया इसका आंसर क्या इसका है डिजिटल स्काई डिजिटल स्काई अगला क्वेश्चन है दो दिसंबर दो हजार अठारह को विश्व बैंक ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटाने

चलिए अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन कहता है तीन दिसंबर दो हजार अठारह को वर्ष दो हजार अठारह का, बर्ग का मिला? मिला? लुका लुका अगला क्वेश्चन तीन दिसंबर दो हजार अठारह को किस दिवस के रूप में मनाया गया इसका इसका आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस अगला क्वेश्चन है तीन दिसंबर दो हजार अठारह को वर्ष दो हजार अठारह महिला वर्ग का बेलन डीओ पुरस्कार किसे मिला? से हटने की घोषणा की किस देश ने हटने की, की घोषणा की, की, की ओपेक से इसका कतर, 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 अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कहता है तीन दिसंबर तीन दिसंबर दो हजार अठारह को केंद्र सरकार ने ओडिशा कौशल विकास परियोजना हेतु एडीबी के साथ एडीबी के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए इसका आंसर क्या पचासी बिलियन डॉलर पचासी बिलियन पचास अगला क्वेश्चन है चालीस दिसंबर दो हजार अठारह को विश्व की प्रतिष्ठित पत्रिका फोवर्स द्वारा जारी विश्व की एक सौ एक सौ सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में किन चार भारतीय महिलाओं को शामिल किया इसका आंसर क्या इसका आंसर होगा पहला क्या होगा रोशनी रोशनी नदार मल्होत्रा रोशनी नदार मल्होत्रा और किरण मजूमदार शोर किरण मजूमदार शोर और और देखिए तीसरा क्या भारती है शोभना भारतीय शोभना भारतीय तथा प्रियंका चोपड़ा और देखिए प्रथम देखिए कौन है प्रथम देखिए जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है चार दिसंबर दो तो को किन दो देश ने परस्पर मुद्रा मुद्रा अदला बदली व्यवस्था समेत दो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं किस देश ने क्या है इसका आंसर भारत और यू भारत और यू अगला क्वेश्चन है चार दिसंबर 2018 को फुबर्स द्वारा जारी इंडिया इंडिया के सर्वाधिक कमाई करने वाली एक सौ सितारों की सूची में प्रथम स्थान कौन बने हैं कौन बने है? इसका आंसर क्या होगा सलमान खान सलमान खान अगला क्वेश्चन है चार दिसंबर दो को अगस्ता 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 वेस्टलैंड वेस्ट वेस्टलेट 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 के किस मुख्य आरोपी को दुबई दुबई में भारत लाया गया भारत लाया गया इसका आंसर at है क्रिश्चियन मिशेल क्रिश्चियन मिशेल अगला क्वेश्चन है पाँच दिसंबर अगला क्वेश्चन है पाँच दिसंबर 2018 को इसरो ने इसरो ने सबसे बजनी किस सैटेलाइट

पांच दिसंबर दो को बीस भर में मृदा दिवस मनाया गया इस वर्ष का थीम क्या था इस दिवस का थीम क्या था मृदा प्रदूषण रोको मृदा प्रदूषण रोको अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है पांच दिसंबर पांच दिसंबर दो हजार अठारह को किस राज्य के कंधा मल हल्दी को भौगोलिक जीआई संकेत प्रदान किया गया है इसका आंसर अच्छा क्या होगा उड़ीसा उड़ीसा अगला क्वेश्चन है दिसंबर दो को भारतीय स्टेट बैंक ने अपने डिजिटल ऐप योनो योनो के लिए किसी ब्रांड एम्बेडर बनाया है भारत किस स्थान पर रहा इसका आंसर क्या जलवायु जोखिम में भारत का स्थान 2018-19 में देखिए 19 में इसका स्थान कहता है था, इसका स्थान क्या होगा इसका स्थान हो जाएगा चौदह चौदह अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है छह दिसंबर दो हजार दो हजार अठारह उन्नीस के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को सात दशमलव आठ से घटाकर कितना कर दिया है? इसका आंसर 7.2 सात दशमलव दो सात दशमलव दो अगला क्वेश्चन सात दिसंबर दो हजार अठारह को किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना प्रारंभ प्राणमित्यात्मक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली 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 अगला क्वेश्चन 7 दिसंबर 2018 को खाद्य एवं कृषि संगठन खाद्य एवं कृषि संगठन एफ ए ओ परिषद ने वर्ष 2023 को 23 को किस वर्ष के रूप में भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष अगला क्वेश्चन है सात दिसंबर 2018 को किस दिवस के रूप में मनाया गया इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा सशक्त सशक्त इसका आंसर क्या है सशक्त नौसेना दिवस्त? नौसेना झंडा दिवस सशक्त नौसेना झंडा दिवस अगला क्वेश्चन आठ दिसंबर 2018 को चीन के सानिया शहर में आयोजित मिस वर्ल्ड मिस वर्ल्ड 2018 हजार किसने जीता किसने जीता मेक्सिको की मेक्सिको के

अगला क्वेश्चन है दस दिसंबर दो हजार दस दिसंबर दो हजार अठारह को अरुणाचल प्रदेश के तेईस जिले के रूप में किसकी औपचारिक आप, रूप से घोषित की गएमी अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कहता है दस दिसंबर दस दिसंबर दो हजार अठारह को दस दिसंबर दो हजार अठारह को भारत और रूस की वायुसेना

एवं जामिया जामिया मिलिया इस्लामी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति का निधन हो गया इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा प्रोफेसर प्रोफेसर मुशीरुल हसन मुशीरुल हसन अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 10 दिसंबर अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर दो हजार को 18 को किस किस कोर्ट ने विजय माल्या को किसे किस कोर्ट ने विजय माल्या को प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर लंदन के लंदन के वेस्ट, वेस्ट मिस्टर्स बेस्ट मिस्टर्स बजीस्टेट की कोर्ट ने अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 10 दिसंबर अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2018 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है इसका आंसर है विश्व मानवाधिकार दिवस विश्व मानवाधिकार दिवस अगला क्वेश्चन है दस दिसंबर दो हजार अठारह को किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया इसका आंसर अग्नि अग्नि अग्निफाव अगला क्वेश्चन दो हजार अठारह को भारत और चीन के सेना के मध्य हैंड इन हैंड हैंड इन हैंड संयुक्त सेनाभ्यास कहा शुरू हुआ इसका आंसर है चेंदु की चीन में चेंगदू की चीन में अगला क्वेश्चन अगला दिसंबर दो हजार अठारह तमिलनाडु सरकार द्वारा महिला सुरक्षा हेतु जारी हेल्पलाइन नंबर एक सौ सरकार, सरकार कितने रुपये ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया इसका इकतीस मिलियन डॉलर इकतीस मिलियन डॉलर इकतीस मिलियन डॉलर अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दो हजार अठारह को की गई नई घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 हजार उन्नीस कहां आयोजित किए जाएंगे इसका आंसर का, इस का, है? पुणे पुणे अगला क्वेश्चन है बारह दिसंबर 2018 को मणिपुर सरकार ने किसे किसे उत्कृष्ट रानी शीर्षक के साथ समान किया इसका मेरी कॉम मेरी कॉम इलिमा किसे इसका आंसर क्या इस का? मेरी कॉम मेरी कॉम अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है बारह दिसंबर दो हजार अठारह को जारी जलवायु परिवर्तन परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक अठारह भारत का कौन सा स्थान है, पर स्वीडन, स्वीडन, स्वीडन. अगला है दिसंबर को, किसे अभ्यारण अभ्यारण्य बजीव पुरस्कार दो हजार अठारह से किया इसका आंसर क्या है इमरान सिद्ध की इमरान सिद्ध की अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2018 को प्रसिद्ध अं, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स मैगजीन ने सऊदी अरब के किस पत्रकार पत्रकार को सम्मान देने के लिए उन्हें 2018 का टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना इसका आंसर क्या इसका आंसर होगा जमाल खगोसी जमाल खगोसी अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए कहता 14 14 दिसंबर 2018 को पोलैंड में आयोजित आयोजित जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत के किस एन जी ओ को एन जी ओ को यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सं, सम्मानित किया किस भारतीय नागरिक को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया इसका राजीव महर्षि राजीव महर्षि अगला क्वेश्चन है

स्टार पुरस्कार जीतने वाली जीतने वाली पहली महिला कौन बनी इसका आंसर क्या होगा ब्रेक थ्रू पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन बना इसका आंसर मोनिका बत्रा मोनिका बत्रा अगला क्वेश्चन पंद्रह दिसंबर दो हजार अठारह को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस यानी चौबीस कहा संपन्न हुआ इसका आंसर पोलैंड के पोलैंड को काटो बाईस काटो बाईस में काटो बाईस में अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 15 दिसंबर 2018 को देश का पहला एवं विश्व का तीसरा रेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया इसका आंसर क्या इस का? बरुद्रा, बरुद्रा, है इसका आंसर है बड़ौदा बड़ौदा अगला क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2018 को मिस मिस इंडिया मिस इंडिया वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड 2018 किसे चुना गया इसका आंसर क्या होगा भारतीय मूल के मूल की अभिनेत्री श्री सैनिको श्री सैनिक को अगला क्वेश्चन पंद्रह दिसंबर दो हजार को वर्ष दो हज़ार अठारह का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देने का निर्णय लिया गया इसका इसका आंसर आंसर क्या अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार अमिताभ अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार अमिताभ अगला वर्ष सोलह दिसंबर दो हजार को भारत और भारत भारतीय और रूसी सेना के बीच आयोजित वार्षिक समुद्री अभ्यास इंद्र नेवी इंद्र नेवी का दसवां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ इसका आंसर क्या आंध्र प्रदेश की विशाखापटना आंध्र प्रदेश की विशाखापटना अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सोलह दिसंबर दो हजार को हॉकी हॉकी विश्व कप दो हजार का खिताब पहली बार किसने जीता किसने जीता इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा बेल्जियम ने नीदरलैंड खड़ा बेल्जियम ने नीदरलैंड खोड़ा अगला क्वेश्चन है सोलह दिसंबर दो हजार को किस देश की सरकार ने दो सौ पांच सौ दो हजार के नोट को बैन किया है

बनाने वाले दूसरे दूसरे खिलाड़ी कौन बने थे इसका आंसर विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सोलह दिसंबर दो हजार अठारह को बिहार व्यंजन किस, किस को जी आई टैग भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया था इसका आंसर है सिलाब ख्वाजा अगला सोलह दिसंबर दो हजार अठारह को अडानी समूह के अडानी समूह तथा इजराइल इजराइल की कंपनी एलिबिट एलिबिट सिस्टम्स सिस्टम्स द्वारा संयुक्त रूप से संयुक्त रूप से भारत की पहली पहली निजी निजी मानव रहित विमान यू यू ए बी यू ए बी निर्माण फैक्ट्री कहाँ आरंभ की गई है इसका आंसर किया हैदराबाद हैदराबाद अगला क्वेश्चन है सत्रह दिसंबर दो हज़ार को भारत और मालदीप के बीच भारत और मालदीव के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कितने समझौते पर हस्ताक्षर किया इसका आंसर किया चार चार अगला क्वेश्चन है सत्रह दिसंबर दो को मिस मिस यूनिवर्स दो का खिताब किसने जीता इसका आंसर है फिलीपींस फिलीपींस के कैटरीना एलिसा ग्रे कैटरीना एलिसा एलिसा ग्रे अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सत्रह दिसंबर दो को लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण विधेयक दो हजार पारित कर दिया इस विधेयक का मूल उद्देश्य क्या है तो इसका आंसर क्या इसका आंसर ट्रांसजेंडर समुदाय को एक अलग पहचान प्रदान कर उसका सशक्तिकरण करना अगला क्वेश्चन है 17 दिसंबर दो को केंद्रीय मंत्री मंडल ने किन दो स्थानों पर नए एम्स स्थापना की स्वीकृति दी है इसका आंसर होगा तमिलनाडु के मदुरई में तमिलनाडु के मदुरई में और तेलंगाना के बीबी बी नगर में बीबी बी नगर में अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है सत्रह सत्रह दिसंबर दो हजार अठारह को भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ चन, चंडीगढ़ में किस विमान पर मिश्रित बायोजेट बायोजेट ईंधन का उपयोग करके भारत की पहली सैन्य उड़ान भरी है इसका आंसर क्या होगा ए एन बत्तीस ए एन बत्तीस ए एन बत्तीस सत्रह दिसंबर दो को किस प्रसिद्ध किस प्रसिद्ध शास्त्रीय शास्त्रीय गायिका का निधन हो गया इसका आंसर क्या होगा पंडित अरुण अरुण भादुरी भादुरी पंडित अरुण भादुरी अगला क्वेश्चन है सत्रह दिसंबर सत्रह दिसंबर दो हजार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पे को कितने बिलियन डॉलर आर्थिक सहायता देने की घोषणा की इसका आंसर क्या एक दशमलव चार एक दशमलव चार बिलियन डॉलर एक दशमलव चार बिलियन डॉलर अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है देखिए 18 दिसंबर 2018 को वर्ष 2019 19 के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया इसका आंसर क्या मेसिडोनिया के प्रधानमंत्री मेसिडोनिया के प्रधानमंत्री जोरान जोरान जाइबे और ग्रीस के प्रधानमंत्री ग्रीस के प्रधानमंत्री प्रधान एलेक्सिस एलेक्सिस सिफ्टियास सिफ्टियास सिप्रियास सिफ्टियास को अगला क्वेश्चन है 18 दिसंबर 2018 को किस किस प्रसिद्ध किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2018 चुना गया था इसका आंसर क्या पेटा पर्सन 2018 कैसे चुना गया इसका आंसर होगा सोनम कपूर सोनम कपूर अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 18 दिसंबर 2018 को संपूर्ण 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 विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया तो वर्ष 2018 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था इसका क्या मुख्य विषय था इसका आंसर होगा गरिमा के साथ

प्रथम प्रधानमंत्री थे किस देश प्रथम प्रधानमंत्री इसका आंसर होगा नेपाल नेपाल अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 18 दिसंबर 18 दिसंबर 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लिखित लिखित पुस्तक का विमोचन दिल्ली में किया गया है? उसका नाम क्या है उसका नाम है चेंजिंग इंडिया चेंजिंग इंडिया अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 18 दिसंबर 18 दिसंबर 2018 को इब्राहिम सोली भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आए वे किस देश के राष्ट्रपति थे तो मालदीप मालदीप इम्राहिम सोली किस देश के राष्ट्रपति थे तो क्या आंसर मालदीप मालदीप अगला क्वेश्चन है अठारह दिसंबर दो हजार को भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कैंसर संस्थान राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहा खोला गया इसका आंसर क्या हरियाणा के जज्जर हरियाणा के जज्जर में अगला क्वेश्चन अठारह दिसंबर दो हजार अठारह को विश्व आर्थिक मंच द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 जारी की गई इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान प्रदान किया इसका आंसर क्या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान 108 है 108 अगला क्वेश्चन है 19 दिसंबर 2018 को 19 दिसंबर 2018 को को भारत में महाबाड़ी महाबाड़ी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही एक एक महिला के जीवन पर आधारित किस फिल्म किस फिल्म को डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट शॉर्ट

भू एस्थेटिक संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक परीक्षण इस का इसका आंसर होगा जी सेट सेवन है जी सेट सेवन है सेवन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 19 दिसंबर 2018 को राजस्थान सरकार ने किसानों को कर्ज माफ करने की घोषणा की इससे सरकारी खजाने पर लगभग कितने करोड़ रुपए का बोझ आया इसका आंसर क्या होगा अठारह हजार, हजार करोड़ रुपए अगला क्वेश्चन है बीस दिसंबर दो को

अमित धनकर अमित धनकर अमित धनकर अगला क्वेश्चन है 20 दिसंबर 20 दिसंबर 2018 को महाराष्ट्र महाराष्ट्र सरकार ने किस नदी पर तेंबू लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए 40 नवासी करोड़ रुपए की मंजूरी दी इसका आंसर क्या है तेंबू लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है कृष्णा नदी कृष्णा नदी अगला क्वेश्चन है 20 दिसंबर 2018 को विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भरोसेमंद बिजली आपूर्ति में भारत का कौन सा स्थान अस्सी अस्सी अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन है दिसंबर दिसंबर को नीति आयोग भारत का स्कोर कौन सा कितना रहा तो है बाईस दिसंबर दो हजार अठारह को ड्राइवर ड्राइवर ऑफ द ईयर किसान लुई, लुई है। अगला क्वेश्चन है बाईस दिसंबर दो हजार अठारह को

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया इस वर्ष का विषय क्या था इसका आंसर क्या इसका है उपभोक्ता शिकायतों को समयबद्ध निपटाना है उपभोक्ता शिकायतों को समयबद्ध निपटाना है अगला क्वेश्चन 24 दिसंबर 2018 को मोहम्मद रफी मोहम्मद रफी अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया इसका आंसर क्या होगा संगीतकार लक्ष्मीकांत कुندلکر लक्ष्मीकांत कुندلکر तथा गायिका उषा उषा टिमोथी उषा तीमोथी अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2018 को किसकी समाधि सदैव अटल सदैव अटल को नई दिल्ली में राष्ट्र को राष्ट्र को समर्पित किया इसका आंसर क्या होगा भारत र, भारत के रत्न अटल बिहारी वाजपे अटल बिहारी वाजपे अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2018 को अटल आयुष्मान योजना कहाँ से शुरू की गई इसका आंसर उत्तराखंड उत्तराखंड पच्चीस दिसंबर दो हजार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोगी बिल पुल का उद्घाटन कहाँ किया इसका आंसर असम के असम के डिब्रूगढ़ जिले में असम के डिब्रूगढ़ जिले में ब्रह्मपुत्र नदी पर अगला क्वेश्चन पच्चीस दिसंबर दो को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी के चौरानवेवे जन्मदिन किस दिवस के रूप में मनाया गया इसका आंसर का सुशासन दिवस, सुशासन दिवस अगला प्रश्न सभी दिसंबर 2018 को वर्ल्ड वर्ल्ड केसेस सर्च डिबेटर का खिताब किसने जीता इतने वाले पहले भारतीय कौन बने इसका आंसर था आदि साई विजयकर आदि साई विजयकर अगला क्वेश्चन है, है 26 दिसंबर 26 दिसंबर 2018 को किस देश ने इंटरनेशनल इंटरनेशनल व्हीलिंग कमीशन को कमीशन आई आई IW UC, IW UC से अलग होने का फैसला क्या है? इसका आंसर जापान जापान अगला क्वेश्चन छब्बीस को बाजार के लिहाज में टाटा समूह समूह को कर देश का सबसे बड़ा बन गया। इसका आंसर क्या? इस क्या इस खिलाड़ी कोई सी क्रिकेट क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पंटिंग रिकी पंटिंग अगला क्वेश्चन 26 दिसंबर 2018 को वर्ष 2018 का ताज से किसे मिला इसका आंसर का मंजू मेहता मंजू मेहता सितार वादक मंजू मेहता सितार वादक अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया 2018 का खिताब किसने जीता तो मध्य प्रदेश के दिया

सत्ताईस दिसंबर 2018 को लोकसभा सत्ताईस दिसंबर 2018 को लोकसभा के तीन तलाक ट्रिपल तलाक विधेयक पास हो गया इसके पक्ष में कितने वोट मिले दो सौ पैंतालीस दो सौ पैंतालीस अलग क्वेश्चन अट्ठाईस दिसंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 तक तीन तीन भारतीयों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए गगन मिशन के लिए कितने करोड़ की बजट की मंजूरी दी इसका दस

आइलैंड का नाम बदलकर क्या रखा यानी रोस द्वीप का नाम क्या है सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील द्वीप का नाम है नील द्वीप तीस दिसंबर दो हजार अठारह को दादा साह अठारह पुरस्कार सम्मानित किया गया फिल्म मेकर का निधन हुआ उनका नाम क्या था अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है इकतीस दिसंबर 2018 को एक दिसंबर 2018 को बिग बॉस बिग बॉस 12 का विजेता कौन बना इसका आंसर का दीपिका कक्कर दीपिका कक्कर और उपविजेता श्री संत श्री संत अगला क्वेश्चन एक दिसंबर 2018 को बांग्लादेश के आम चुनाव में किस पार्टी की तीसरी बार बहुमत प्राप्त है इसका आंसर शेख हसीना के पार्टी अवामी लीग अवामी लीग अगला क्वेश्चन इकतीस दिसंबर दो को आईसीसी द्वारा आईसीसी द्वारा वर्ष वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चयन किया किया गया इसका आंसर है स्मृति मर्धाना स्मृति मंधाना भारत स्मृति मंधाना भारत अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है इकतीस दिसंबर दो हजार अठारह दिसंबर दो को उन्नीस के सिख विरोधी दंगा केस किस मुख मुख आरोपी आरोपी कर कर, कर डूमा कोर्ट को समक्ष सरेंडर किया है इसका आंसर है सज्जन कुमार सज्जन कुमार दोस्तों ये दिसंबर मंथ था और इसमें मैं पूरा दिसंबर में जिक्र किया हूँ तो चलिए दोस्तों और देखिए जनवरी फरवरी इसी प्रकार से मैं सभी महीने का अपडेट आपको दूंगा तो सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले थैंक यू दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में